हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो अर्थशास्त्र है उसके पहले चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है ना, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। और सारे वीडियो के लास्ट तक देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जितने भी पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं और जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला गया है। इसमें से कौन द्वितीय क्षेत्र है ना? तीन तरह का होता है क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आ गया, द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग कार्य और मछली पालन, है ना। तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो भारत है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखेंगे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये पिछले कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया भारत में? 15 मार्च 1950। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला जो है, जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कहलाएगा अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो वो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो हमारा विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो हमारा कैसा देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है, इसमें याद रखना है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया? पिछड़ा राज्य किसे कहा गया है? तो पंजाब है, केरल है, बिहार है, दिल्ली है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे जो पिछड़ा राज्य है वो अपना कौन है? बिहार राज्य है। ठीक है, सबसे पिछड़ा राज्य इसमें से कौन है? तो बिहार राज्य है, एकदम रट के जाएंगे। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन क्षेत्र आता है? कृषि क्षेत्र आता है। तो कृषि से जुड़ा हुआ जो भी काम है, ये पशुपालन या मछली पालन करना, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, ये किस क्षेत्र में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग माना जाता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग माना जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? सेवा क्षेत्र को, याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, द्वितीय में औद्योगिक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र जो आ गया उसमें तृतीय क्षेत्र हो गया। जैसे बैंक, परिवहन आदि जो सेवाएं होती है वो हमारे तृतीय क्षेत्र की सेवाएं होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं को कितने प्रकार होते हैं? तो आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? हम लोगों ने बुकों में पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार होंगे आर्थिक क्रियाओं का? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार का होती है? तो आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार के होती है। अर्थव्यवस्था के कुछ कितने प्रकार है? तो अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस बात को याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हो गए, कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा गया? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है उसी को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब का? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है उसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? गांधी जी ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी और पंडित नेहरू। तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि अगर देश का विकास यानी भारत का विकास चाहिए तो बिहार का विकास जरूरी है, है ना। बिना बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, ऐसा अब्दुल कलाम बोल के गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? ये भी क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है आपके, इसमें याद रखेंगे, सेबी, एसईबीआई, ये शेयर बाजार की नियामक संस्था होती है, सेबी, याद रखिएगा। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। बिहार के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आर्थिक विकास के मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक किसे माना गया है? आर्थिक विकास के मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक किसे माना गया है? पहला है राजकीय आय, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है राजनीतिक आय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आप लोग भी बताइए, है ना, क्या होगा इसमें आंसर? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसी को हम लोग आर्थिक विकास के मापन के लिए उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहले चैप्टर का आंसर हो गया और इसमें 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और प्लीज अच्छे से देखिए और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम के लिए बहुत जो पूछा हुआ था उसमें से सारा छाट के लाया गया और आपके अगले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू की जरूरत है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।